सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि ईश्वर की दया से आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग मधु सरिता से एक और नई कविता सीखेंगे जिसका नाम है तीन बत्तियाँ। तो चलिए बच्चों, हम अपनी इस कविता को शुरू करते हैं। कविता का नाम है तीन बत्तियां। तीन बत्तियां चौराहे पर कहती चलना संभल संभल कर, सड़क को पार करना सिखाती, नियमों का भी ज्ञान कराती। लाल बत्ती का समझे इशारा, रुक जाए तब ट्रैफिक सारा। पीली बत्ती करे तैयार, पर अभी न चलना मेरे यार। हरी बत्ती जैसे ही आई, ट्रैफिक आगे भागा भाई। बच्चों, एक बार फिर से आपके सामने मैं इस कविता को दोहराऊंगी। आप सभी बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तीन बत्तियां चौराहे पर कहती चलना संभल संभल कर, सड़क को पार करना सिखाती, नियमों का भी ज्ञान कराती। लाल बत्ती का समझे इशारा, रुक जाए तब ट्रैफिक सारा। पीली बत्ती करे तैयार, पर अभी न चलना मेरे यार। हरी बत्ती जैसे ही आई, ट्रैफिक आगे भागा भाई। बच्चों, तीन बत्तियां आपने देखी है। जब आप लोग किस मम्मी पापा के साथ बाहर जाते हैं तो आपने चौराहे पे देखा होगा ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट में कितनी बत्तियां होती हैं, कितनी लाइट होती हैं? तीन लाइट होती हैं, है ना। पहली कौन सी होती है? रेड लाइट। फिर कौन सी है? येलो लाइट। और फिर ग्रीन। रेड मतलब लाल, लाल बत्ती। यहाँ पे क्या है? तीन बत्तियां चौराहे पर। क्या कहती हैं वो तीन बत्तियां? कहती चलना संभल संभल कर। जो तीन बत्तियां होती हैं चौराहे पर, वो हमें सड़क को पार करने के बारे में बताती हैं, कब हमें चलना है, कब हमें रुकना है, इसका हमें ज्ञान कराती हैं। फिर नियमों का भी ज्ञान कराती, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लाल बत्ती हमें क्या बताती है। यहाँ लिखा है लाल बत्ती का समझे इशारा। लाल बत्ती हमें क्या इशारा करती है? रुकने का। यहाँ पे लिखा है ना कि लाल बत्ती का समझे इशारा, रुक जाए तब ट्रैफिक सारा। जब लाल बत्ती जलती है तो हम लोग क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। लाल बत्ती हमें यह बताती है कि अभी आगे नहीं जाना है, हमें रुकना है। और फिर उसके बाद कौन सी बत्ती है? येलो। येलो मतलब पीली बत्ती, जिसे हम कहते हैं कि पीला रंग, है ना। पीली बत्ती करे तैयार, पर अभी न चलना मेरे यार। पीली बत्ती हमें क्या बताती है? कि अभी हमें चलने के लिए तैयार होना है, मतलब रेडी टू गो। हमें चलने के लिए तैयार होना है, पर अभी चलना नहीं है, सिर्फ चलने के लिए हमें तैयार होना है। तो ये कौन सी बत्ती हमें बताती है? पीली बत्ती। फिर पीली के बाद कौन सी बत्ती आती है बच्चों? हरी बत्ती। हरी बत्ती जैसे ही आई, ट्रैफिक आगे भागा भाई। बच्चों, आप लोग ने देखा होगा जैसे ही ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो जाती, ग्रीन सिग्नल देती है, ग्रीन हो जाती है, तो सब हम लोग क्या है? आगे बढ़ जाते हैं, सड़क को पार कर लेते हैं, है ना। जिधर हमको जाना होता है हम उधर जाते हैं। तो आपको समझ में आया बच्चों कि लाल बत्ती हमें क्या बताती है? लाल बत्ती हमें रुकने को बताती है कि अभी नहीं जाना है, रुकना है, स्टॉप, रुक जाना है। फिर पीली बत्ती हमें क्या बताती है?
कि हमें चलने के लिए तैयार होना है। अभी चलना नहीं है, लेकिन चलने के लिए तैयार होना है। और फिर हरी बत्ती हमें क्या बताती है? हरी बत्ती हमें ये बताती है कि हमें अब चलना है। तो बच्चों, समझ में आया आपको ये तीन बत्तियों के बारे में जो मैंने अभी आपको इस कविता के बारे में आपको पढ़कर बताया और इनका मतलब समझाया? आशा करती हूँ कि आपको आज की ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप सभी बच्चे इस कविता को बार-बार दोहराएंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।